हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी विज्ञान अध्यापिका दीपांशी हुड्डा स्वागत करती हूँ कक्षा 7 के विज्ञान के पाठ नंबर 13। इस पाठ का नाम है गति एवं समय। प्यारे बच्चों, यह पाठ जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सरल एवं रुचिपूर्ण भी है। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 में हम गतियों के प्रकार के विषय में पढ़ चुके हैं। इससे आगे की जानकारी हम अपनी आज की कक्षा में प्राप्त करेंगे और इस पाठ में हम बात करेंगे गति और समय के आपसी तालमेल की और किस प्रकार गति संबंधित होती है समय के साथ। यह जानने के लिए हम करेंगे एक क्रियाकलाप और इस क्रियाकलाप का नाम है मंद अथवा तीव्र, यानी मंद अथवा तीव्र गति से संबंधित आज हम एक बड़ा ही रोचक क्रियाकलाप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का यह क्रियाकलाप। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के विषय में पढ़ा हुआ है। आपने यह भी पढ़ा है कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश, वर्तूल अथवा आवृत्ति हो सकती है। अब प्रश्न आता है कि कौन सी गति मंद है अथवा तीव्र है और कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है। अब आप यह दोनों गति देखिए और बताइए इन दोनों में से किसकी गति तीव्र है। जी हाँ, साइक्लिस्ट की गति धावक से तीव्र है। अब यहाँ इन दो चित्रों को देखिए जिसमें एक साइकिल सवार है और एक घुड़सवार, और बताइए इनमें से किसकी गति आपको तीव्र लगती है। शाबाश, यहाँ पर घुड़सवार की गति साइकिल सवार से तीव्र है। बिल्कुल सही जवाब दिया। और प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ एक प्रतियोगिता हो रही है और बताइए इस प्रतियोगिता में आपको किसकी गति मंद लगती है। जी हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ पर नौका में बैठे व्यक्ति की गति मंद है। और इस प्रतियोगिता के बाद इस प्रतियोगिता को याद कीजिए और इन जीवों को देखकर बताइए कि यहाँ पर किसकी गति मंद है। बिल्कुल सही, यहाँ पर कछुए की गति खरगोश के मुकाबले मंद है। और प्यारे बच्चों, अब इन विभिन्न प्रकार के जीवों को देखिए और बताइए कि इनमें से किसकी गति सबसे तीव्र है। बिल्कुल सही, यहाँ पर तितली की गति सबसे तीव्र है। शाबाश। प्यारे बच्चों, यह तो सरल उदाहरण थे, परंतु यदि हम किसी क्षण सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए कुछ वाहनों की स्थिति को देखें तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा वाहन मंद गति से चल रहा है और कौन तीव्र गति से। तो इसके लिए सरल सा उपाय है, किसी वस्तु द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता करेगी कि चली गई गति मंद है या तीव्र है। और प्यारे बच्चों, हम प्रायः यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। आप दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है
कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। और इस प्रकार यदि हम दो वाहनों द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम आसानी से यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हो गए हैं। अभी हमने चाल शब्द की परिभाषा सीखी। यहाँ हमें चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। दो या अधिक वस्तु में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। बच्चों, चाल से संबंधित और अधिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे और इसके लिए हम करेंगे एक क्रियाकलाप। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्रियाकलाप। बच्चों, यह राम है। यह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला है। इसे घर से स्कूल पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। और यह है रोहित, राम का पक्का मित्र। यह थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए अपने दोस्त को पकड़ने के लिए 10 मिनट की दूरी को 5 मिनट में ही पूर्ण कर देता है। कैसे? दौड़ लगा करके। यानी जो दूरी राम ने 10 मिनट में तय की, वही दूरी रोहित ने 5 मिनट में तय की। तो अब बताइए, किसकी चाल तीव्र है और किसकी चाल मंद है? कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हमारे पास एक समाधान है। यदि हम इन दोनों के एकांक समय में तय की गई दूरी को ज्ञात करें, तो हम इनकी तीव्र या मंद चाल का पता लगा सकते हैं। और प्यारे बच्चों, यही चाल की परिभाषा भी है। क्या परिभाषा है? कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। और यहाँ पर राम ने जो दूरी 10 मिनट में तय की, उसी दूरी को रोहित ने 5 मिनट में तय किया। यानी समान दूरी के लिए दोनों ने अलग अलग समय लिया। और कम समय किसने लिया? रोहित ने। तो तीव्र चाल किसकी हुई? रोहित की। तो बच्चों, यह था अपना क्रियाकलाप जिसमें हमने देखा कि दो मित्र किस प्रकार से समान दूरी को असमान समय में तय करते हैं। और उसका कारण था दोनों की गति में अंतर, एक की गति मंद और दूसरे की तीव्र। साथ ही हमने सीखी चाल की परिभाषा। प्यारे बच्चों, आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कार, बस और वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं, जैसे यहाँ आपको चित्र में दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, इनमें से एक मीटर के एक कोने में किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है और इसे चाल मापी यानी स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात हो जाती है। बच्चों, इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। और दूरी मापने वाले को मीटर को हम पथ मापी यानी ओडोमीटर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए
अब सीखते हैं कुछ परिभाषाएं और समय के विषय में। ये परिभाषा अति महत्वपूर्ण है। गति एवं समय को समझने के लिए हमें इन परिभाषाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो आपको यह परिभाषाएं अत्यंत लाभदायक होंगी। तो शुरू करते हैं आज के इस विशेष पाठ को। और सबसे पहली परिभाषा है बच्चों, चाल। हम चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। और प्यारे बच्चों, हम चाल को प्राप्त करने के लिए तय की गई कुल दूरी को लिया गए कुल समय से विभाजित करके प्राप्त कर सके हैं, और यह इसका सूत्र है। और प्यारे बच्चों, अपनी अगली परिभाषा है असमान चाल की। और इसकी परिभाषा होती है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। और असमान चाल के विपरीत होती है एक समान चाल। और इसकी परिभाषा है, किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति अथवा चाल एक समान चाल कहलाती है। प्यारे बच्चों, हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है, और एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। और इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह यानी महीने के रूप में की गई। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। बच्चों, प्रायः हमें दिन में काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको सुबह स्कूल समय पर पहुंचना होता है, यह हम कैसे मापते हैं? तो इसमें हमारी सहायता करती हैं घड़ियाँ। परंतु प्रश्न यह है कि घड़ियाँ समय कैसे मापती हैं? तो बच्चों, घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवृत्ति गति का उपयोग किया जाता है। और आवृत्ति गति का एक चिरपरिचित उदाहरण होता है सरल लोलक। प्यारे बच्चों, अब सीखते हैं परिभाषा एक दोलन की। जब लोलक का गोला अपनी माध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक और फिर ए से बी व बी से वापस माध्य स्थिति ओ पर आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। और अपनी अगली परिभाषा है आवर्तकाल। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। तो यह थी अपनी विभिन्न परिभाषाएं। आप इन्हें अच्छे से याद करें, यह काफ़ी उपयोगी परिभाषाएं हैं। प्यारे बच्चों, आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती हैं। यहाँ मैं आपको कुछ विशेष प्रकार के ग्राफ दिखा रही हूँ। जैसे ये प्रथम चित्र, इसे हम स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र भी कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं। और अब यहाँ आप देख रहे हैं किसी बच्चे की आयु व भार को दर्शाता रेखा ग्राफ। बच्चों, हम यहाँ एक ग्राफ दिखाएंगे जिसमें हम दूरी समय को भी ग्राफ की सहायता से अंकित कर सकते हैं, जैसे किसी कार की गति को दर्शाना। इसे भी हम ग्राफ पेपर की सहायता से दिखा सकते हैं।
तो ये जो ग्राफ है ये बस की गति और दूरी समय ग्राफ दिखा रहा है और ये एक सीधी सरल रेखीय समान गति का उदाहरण है। तो देखा, ग्राफ की सहायता से भी हम चाल और दूरी समय ग्राफ को दिखा सकते हैं और दूरी समय ग्राफ से हम बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब एक नजर डालते हैं अपने आज के पाठ पर, जिसमें आपने क्या सीखा। प्यारे बच्चों, हमने अपने पाठ में सीखा कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। साथ ही बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है और इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। बच्चों, आवृत्ति घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है, यह भी हमने अपने पाठ में सीखा। साथ ही लोलक की आवृत्ति गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है। साथ ही बच्चों, हमने चित्रात्मक रूप से भी दूरी समय ग्राफ को बनाना सीखा और वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, यह भी हमने इस पाठ से सीखा। साथ ही नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, यह जानकारी भी हमें आज प्राप्त हुई। तो है ना ये बड़ा रोचक और मज़ेदार पाठ, आपने बड़े अच्छे से सीखा, आप बहुत ही होशियार बच्चे हो। तो बच्चों, आप अपने पाठ को पुस्तक से अवश्य पढ़ें, महत्वपूर्ण शब्दों को भी याद करें और नोटबुक में लिखें। प्यारे बच्चों, आप अपनी सेहत का भी अच्छे से ध्यान रखें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।